हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3, कक्षा 12वीं एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसका प्रश्न पहला देखते हैं। निम्नलिखित आव्यूह हैं, 1, 2, 3 आव्यूह हैं और प्रत्येक आव्यूह का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि तीनों आव्यूह के ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आव्यूह किस प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यदि देखते हैं, पहला आव्यूह है, इसे हमने ए मान के चले हैं और इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, जिसको हम ए डैश भी कह सकते हैं। ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कैसे निकालना है? जो पंक्ति में लिखे अवयव होते हैं उनको स्तंभों में बदलना है और जो स्तंभ में लिखे होते हैं उन्हें पंक्ति में बदलना है। जैसे इस सवाल की बात करें, दूसरे को हम बी मान के चलेंगे और बी का डैश निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है और स्तंभों को पंक्तियों में। जैसे 1 और -1 लिखा है पंक्ति में, स्तंभ में कर दिया जाए 1 -1, मतलब अभी कॉलम में कर दिया है, जो पंक्ति रो में लिखा था अब कॉलम में कर दिया। और 2, 3 जो है इस प्रकार से लिखा है, लेकिन 2, 3 को अब स्तंभ के रूप में लिख दिया है, तो ये बी का डैश हो जाएगा ज्ञात। यदि जे हमने सी माना है एक आव्यूह, तो सी का डैश जो होगा वो कैसे निकल के आएगा? पंक्तियों को स्तंभों में -1, 5, 6 जो है पंक्ति है, लेकिन -1, 5, 6 जो है हमने अब आव्यूह के रूप में लिखा है। ए आव्यूह मतलब डैश निकाल रहे हैं, इस वजह से -1, 5, 6 को अब जो है स्तंभ के रूप में लिखा है। करणी 3, 5 और 6 है, तो करणी 3, 5, 6 को अब जो है हम कॉलम बना देंगे। और 2, 3, -1 जो पंक्ति थी, 2, 3, -1 को हम स्तंभ बना देंगे, तो जे सी डैश आ जाएगा। मतलब सी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, बी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, ए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। और निकालते हैं 5, 1/2 और -1। अभी जो है कॉलम में लिखा था, अब हमने इससे पंक्ति बना दी है, तो ए डैश, बी डैश और सी डैश इस प्रकार से परिवर्त आव्यूह निकाले जाते हैं। केवल पंक्तियों को स्तंभों में बदलना ही क्या कहलाता है? परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं, प्रश्न 2 दिया गया है कि यदि एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, तो सत्यापित करके वह हमें सिद्ध करना है या सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। और ए डैश बी डैश क्या है? ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश कहलाता है, बी का परिवर्त आव्यूह बी डैश कहलाता है। जे भी सिद्ध करना है और जे भी आपको सिद्ध करना है या सत्यापित करना है। तो कैसे हम सत्यापित करते हैं, देखिए। पहली चीज़ जो है, हम LHS लेते हैं और RHS के इक्वल सिद्ध करते हैं। तो LHS साइड यदि आप लेते हो, तो इस LHS में क्या चीज़ें हैं देख सकते हैं आप, कि LHS है ए प्लस बी का होल डैश है। ए प्लस बी का होल डैश मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी आव्यूह को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद फिर क्या लेना पड़ेगा, उसका डैश। तो ए आव्यूह की यदि हम बात करें, तो ए आव्यूह पहले हमने रखा कि -1 है, 2 है, 3 है और 5, 7, 9 है, और माइनस का 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ये ए आव्यूह है। प्लस बी आव्यूह की यदि हम बात करें, तो बी आव्यूह लिखते हैं -4, 1, -5, 1, 2, 0 और 1, 3, 1, जे बी आव्यूह हमने लिखा। पहले हमें क्या करना, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर का हम डैश निकालेंगे, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं आगे सॉल्व, क्या आता है देखिए। यहाँ पे यदि आप इनको जोड़ते हैं, -1 में यदि -4 जोड़ दिए जाएँ तो -5 हो जाएंगे, -5। और 2 में यदि 1 जोड़ देते हो 3 हो जाता है। 3 में यदि आप, ठीक है, 3 में -5 जोड़ते हो तो -2 हो जाते हैं। और 5 में 1 जोड़ते हो 6 हो जाता है। 7, 2, 9 हो जाते हैं, 9 और 0, 9 हो जाते हैं। -2 और 1 -1 हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 हो जाएंगे। फिर इस पे लगा होगा डैश, और यदि आप डैश का मान रख देते हो, तो डैश का मान कैसे निकालना है? एक आव्यूह लिखा है, उस आव्यूह का आप डैश निकाल रहे हो, तो डैश मतलब पंक्तियां स्तंभों में परिवर्तित करनी है। -5, 3, 2 जो इस टाइप से लिखा है, इसको आप इस टाइप से आप लिख दोगे कि -5, 3, -2।
6 9 9 अभी पंक्ति में लिखा है, अब 6 9 9 को कॉलम के रूप में लिख देते हो, -1 4 2 लिखा है, -1 4 2 अब जो है आप कॉलम के रूप में लिख देते हो, तो जे आ जाता है LHS का आंसर। अब देखते हैं हम RHS साइड और लेते हैं, तो RHS साइड में क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी हैं, ए डैस प्लस बी डैस आपको लिखना है और इनका योगफल निकालना है। तो ए डैस का मतलब होगा ए आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में बदला गया होगा, जो आव्यूह है इसकी पंक्तियों को स्तंभों में यदि आप बदलते हैं, तो -1 2 और 3 जो लिखा है इस टाइप से लिखा है, लेकिन अब जो है -1 2 और 3 इस टाइप से लिख जाएगा, 5 7 9 लिखा है, 5 7 9 इस टाइप से अब लिख जाएगा, और -2 1 लिखा है तो -2 1 1 इस टाइप से लिख जाएगा। इसमें प्लस हमें करना था, और बी डैश का आव्यूह, बी डैश मतलब यहाँ बी आव्यूह का परिवर्ताव्यूह, तो यहाँ -4 1 -5 हैं तो -4 लिखा हमने, और फिर यहाँ पे 1 -5 लिखा है, और फिर 1 2 0 लिखा है, 1 3 1 लिखा है, और इनको यदि आप टोटल करते हो, टोटल करेंगे और टोटल करने पे क्या आंसर आता देखते हैं, -1 -4 जोड़ेंगे आप, -5 आएगा, 5 और 1 जोड़ते हैं 6, -2 में 1 जोड़ते हो -1, यदि 2 और 1 देखें तो 3 7 2 हो जाएंगे, 9 1 3 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 -5 करते हो -2, 9 और 0 जोड़ते हो 9 हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि LHS का जो आंसर था वही आंसर RHS में भी आ गया है, तो यहाँ से आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आता है LHS RHS बिल्कुल बराबर सिद्ध हो जाते हैं, तो आता है LHS बराबर RHS ये सत्यापित हो जाता है या सिद्ध हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, वो भी सेम आपको इसी टाइप से करना था। तो यदि इसकी LHS साइड ली होती तो LHS साइड क्या है, ए माइनस बी निकालना है और उसका फिर बाद में डैश करना है, तो पहले आप ए माइनस बी निकालेंगे, तो ए आप व्यू हमने रखा, ए आप व्यू क्या है जे दिया गया है, तो -1 2 3 और यहाँ पे 5 7 9 -2 1 1 लिखा हमने, ए आप व्यू लिखा है, माइनस चिन्ह लगाया और बी आप व्यू रखेंगे, अब बी आप व्यू क्या है, -4 1 -5 और फिर यहाँ पे 1 2 0 है, 1 3 1 है, जे रखा हमने बी आप व्यू, और फिर इनको घटाएंगे और घटाने के बाद हमें क्या लेना है, इस पूरे का डैश लेना है, मतलब पंक्तियाँ स्तंभों में परिवर्तित करनी है। अब यहाँ पे देखते हैं घटाने पे क्या आता है, क्योंकि -1 में से -4 करेंगे तो -1 प्लस का 4 यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है ना, प्लस का 4 बन जाएगा, 2 -1 करेंगे 2 -1 होगा, 3 माइनस और माइनस प्लस के 5 बन जाएंगे, 5 -1 बन जाता है, यहाँ 7 -2 बन जाते हैं, 9 -0 बन जाएंगे और -2 -1 हो जाएगा, और फिर 1 -3 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, और आगे यदि आप इसे सॉल्व कर देते हो तो यहाँ पे आपके लिए और डैश लगा है, तो डैश लगा रहने दो अभी, और आगे यदि आप सॉल्व करते हो तो क्या प्राप्त होता देखते हैं कि यहाँ पे आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आए 3, यहाँ 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे आए 4, यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे 9, यहाँ पे माइनस के 3 आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाते हैं माइनस के 2 आ जाते हैं, यहाँ पे 0 आ जाता है, और फिर इसके ऊपर लगा होगा डैश, डैश लगा है मतलब पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करना होगा, तो 3 1 8 अब आप इस टाइप से लिख देते हो, 3 1 8 4 5 9 अब इस टाइप से आप लिख देते हो, 4 5 9 -3 2 0 अब आप इस टाइप से -3 2 0 इस टाइप से हम लिख देते हैं, तो ये LHS का आंसर हुआ है। अब हम RHS का भी आंसर निकालते हैं, क्योंकि दोनों आंसर सेम होने चाहिए, तो RHS क्या है, ए डैश माइनस बी डैश है, तो ए डैश और बी डैश के हम पहले मान रखते हैं, ठीक है, ए डैश और बी डैश को घटाने पे फिर आंसर सेम होना चाहिए। अब ए डैश क्या होगा, ए आप व्यू की पंक्तियों को स्तंभों में बदला जाए, तो ए डैश हमने यहाँ पे रखा था बिल्कुल वही देख के रख सकते हो, -5
एक माइनस एक पाँच, माइनस दो और फिर दो सात एक है और तीन नौ एक है। इसमें से आपको माइनस करना था बी डैश, बी डैश भी हमने यहाँ पे रखा था वही लिख देते हैं। माइनस चार वन वन, 1 2 3 है, -5 0 1 है। और जैसे ही आप घटाते हो तो देखोगे, यदि आप घटाओगे तो -1 में से -4 करना है, तो -1 प्लस के 4 हो जाएंगे, 5 -1 हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 -1 होगा, 7 -2 हो जाएगा, और 1 -3 हो जाएगा, 3 -9 होगा, मतलब 3 -+ हो जाएंगे 5, और 9 -0 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। और यदि आप और आगे तक सॉल्व करते गए तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाता है 3, यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएंगे, -3 प्राप्त होंगे, और यहाँ पे 1 5 -2 प्राप्त होगा, 8 9 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो RHS और LHS मिले थे दोनों बिल्कुल सेम मिल जाते हैं, मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि LHS साइड जो है बिल्कुल RHS साइड के इक्वल है, ये सत्यापित हो जाता है या सिद्ध हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल है तीसरा, जे भी बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि इसमें ए डैश दिया गया है और बी दिया गया है, सत्यापित करना है जी। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास ए पता है, ए डैश पता है, ए डैश से यदि आप इसका पुनः डैश ले लेते हैं तो ए प्राप्त हो जाएगा, और ए प्राप्त क्या हुआ होगा कि 3 4 जो है अब इस टाइप से आ जाएंगे, 3 4 जो है अभी जो है पंक्ति के रूप में लिखे हैं, अब स्तंभ के रूप में -1 0 स्तंभ के रूप में आ जाएंगे, और 0 1 पंक्ति के रूप में लिखे हैं जो -1 2 आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 0 और 1 जो है इस टाइप से आ जाएंगे। तो जे ए डैश था, ए डैश को पलटा हमने तो ए प्राप्त हुआ, और बी को पलट देंगे तो बी डैश प्राप्त होगा। तो बी डैश क्या आया होगा, यहाँ पे यदि देखा जाए कि 1 -1 2 1 लिखा है, अब आप इस टाइप से लिख सकते हो -1 2 1 और फिर 1 2 3, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ए डैश से हमने ए निकाला है और बी से बी डैश निकाला है। अब आपको जो सिद्ध करना है, पहला सवाल देख लेते हैं, उस पहले सवाल को हम करते हैं। तो पहला सवाल जो है ये दिया गया है, इसकी यदि LHS साइड लेते हो पहले सवाल की, तो LHS साइड क्या है, ए प्लस बी का होल डैश है। अब यहाँ पे यदि आप ए रखेंगे प्लस बी करेंगे फिर उसका आप डैश निकालेंगे, तो ए आप बी का मान जे है कि यहाँ पे है 3 -1 0 4 2 1, जे ए आप बी है, प्लस इसमें बी आप बी को जोड़ना है, बी आप बी क्या है, जे दिया गया है बी आप बी, तो -1 2 1 है, और यहाँ पे 1 2 3 है, और इन दोनों आप बी को आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, और फिर जोड़ने के बाद निकालेंगे उसका डैश, ठीक है। तो पहले हम जोड़ते हैं क्या आता है, फिर उसका डैश लेते हैं बाद में। तो यहाँ पे 3 -1 यदि आप करते हो, ठीक है ना, यहाँ पे 3 और -1 यदि आप करोगे तो कितने आए, 2, -1 और 2 को यदि आपने जोड़ा है तो कितना आया होगा, 1 आया होगा, और फिर 0 और 1 को जोड़ते हो तो 1 आता है, 4 और 1 को जोड़ते हो 5, 2 और 2 को जोड़ते हो 4 आ जाता है, फिर यहाँ पे जोड़ोगे 1 और 3 को तो भी 4 आएगा, और फिर जो भी आंसर आता उस आंसर का डैश लेना था, डैश मतलब पंक्तियाँ स्तंभों में बदल जाएंगी, तो 2 1 1 आ जाएगा, 5 4 4 आ जाएगा, इस प्रकार से LHS साइड का आंसर आएगा। अब हम देखते हैं RHS साइड भी लेंगे इसकी, RHS साइड का आंसर क्या होता है, RHS साइड क्या है, ए डैश प्लस बी डैश लेनी है आपको, ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश हम करेंगे। अब ए डैश और बी डैश के मान क्वेश्चन में है आपके पास, ए डैश जे दिया गया, बी डैश जे हमने निकाला है, दोनों के मान यदि आप रख देते हो तो यहाँ पे था 3 4 -1 2 और फिर 0 1, जे था इसका मान, और इसमें प्लस करना था बी डैश, अब बी डैश का मान था -1 1 और 2 और 2 था,
और फिर 1 और 3 था। यदि दोनों को आप जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आप देखते हैं 3 में 1 घटा सकते हो आप, तो 2 बचे, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ 1, यहाँ पे 4, यहाँ 1, यहाँ पे भी 4 हो गए। अब आप देखते हैं कि LHS और RHS के आंसर दोनों सेम आए हैं, तो आप लिख देते हैं, अतः LHS बराबर RHS हो जाता है, इसलिए जो है सत्यापन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में a-b का होल डैश बराबर a-b-, तो यहाँ भी यदि आप LHS साइड लेते हैं तो LHS साइड क्या है, a-b का होल डैश लेना है। तो पहले आप क्या करेंगे, ए और बी के मान रखेंगे और घटाएंगे, तो ए आप व्यू का हमने मान रखा है 3-1 0 है, और यहाँ पे 4 2 1 है, इसमें से आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा बी वाला व्यू। बी वाला व्यू क्या है, -1 2 1 है और 1 2 3 है, इस व्यू को माइनस करना, और फिर आपको पूरे का क्या लेना होगा, डैश, फिर बाद में आप डैश लेते हो। और यदि आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 3 -1 करोगे, यदि आप 3 माइनस और फिर -1 करोगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाते हैं। ठीक है, और फिर यदि आप यहाँ पे -1 हैं और -1 में, ठीक है ना, -1 -2 करोगे तो -3 हो जाएंगे, और 0 -1 करोगे यदि तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे, 3 2 में से 2 घटाओगे, 0 और 1 -3 करोगे तो -2 आएगा, और इस पूरे का लेना था आपको डैश, और डैश यदि आप लेते हो तो पंक्तियाँ स्तंभों में परिवर्तित हो जाती हैं, यहाँ पे कह सकते हैं 4 -3 -1 हो जाएगा और 3 0 -2 हो जाएगा, जे LHS साइड का आंसर होगा। अब RHS का भी आंसर आपको सेम चाहिए, तो RHS साइड क्या है, a-b-, है इसका मान, यदि आप निकालें तो a- का मान और b- का मान अभी हमने रखे थे, जोड़े थे, अब इनको घटाना होगा, कि 3 4 -1 2 0 1 था a- और -b- क्या था, -1 1 था, 2 2 था, 1 3 था, यदि आप इनको घटाते हैं तो क्या मिलेगा, यदि आप देखें 3 -1 करोगे 4 मिल जाएगा, 4 -1 करोगे 3 मिल जाएगा, -1 में से 2 को आप घटाते हो -3 हो जाएगा, 2 -2 करोगे 0 हो जाएगा, 0 -1 करोगे -1 आएगा, 1 -3 करोगे -2 आएगा, इस टाइप से आपको एक व्यू मिलता है। अब आप देखें LHS RHS के आंसर दोनों सेम आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि आता है LHS बराबर RHS सत्यापन हो जाता है। देखते हैं अगला चौथा सवाल है, ए डैश दिया गया है और बी दिया गया है, आपको जे चीज़ निकालनी है और इसका होल डैश ज्ञात करना, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे आप ए डैश की हेल्प से ये तो ज्ञात कर सकते हैं कैसे पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए, -2 3 कर दिया और 1 2 कर दिया है तो जे हो गया आपका ए, ठीक है ना, और बी डैश की आपके पास ज़रूरत वैसे नहीं होगी, लेकिन आप निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं, हो जाएगा -1 0 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब देखिए जो चीज़ हमें निकालनी है, हमें मतलब है a+2b के होल डैश से मतलब है, तो पहली चीज़ तो आप क्या करेंगे, ए आप व्यू रखेंगे, ए आप व्यू -2 1 3 2 है, और फिर क्या करेंगे, +2 लिखेंगे और बी वाला आप व्यू रखेंगे, -1 0 1 2 बी वाला आप व्यू रखा है, फिर जो भी आंसर इनका निकल के आएगा उस पूरे का क्या लेना होगा, बाद में डैश लेना होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे -2 है और 1 है 3 है और 2 है, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाता है, -2 0 2 4 हो जाएंगे, और फिर पूरे का डैश जाके तामने लगाया, और आगे यदि आप सॉल्व करते हैं इनको जोड़ते हैं तो -2 और -2 जोड़ेंगे तो -2 और -2 हो जाएंगे प्लस के, -2 -2 हो जाएंगे माइनस के 4, और यहाँ पे 1 में 0 जोड़ा जाए तो 1 हो जाएगा, और 3 और 2 जोड़ देते हो 5, 2 और 4 जोड़ देते हो 6, और फिर पूरे का डैश लगा है, डैश मतलब आप पंक्तियों को स्तंभों में बदलोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -4 1 हो जाएगा, और 5
छः हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो।